सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रोजाना खाना इन हिंदी को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों आप सभी को एक ऐसा चीज बताने वाली हूँ जो कि हम सभी को हमेशा जरूरत पड़ते रहता है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं क्या बताने वाली हूँ, तो आज मैं दोस्तों बताने वाली हूँ लहसुन छीलने का बहुत ही आसान तरीका, जो कि आप 5 मिनट में 100 ग्राम लहसुन को आसान तरीके से छील सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारे घर में पार्टी हो रही है, कोई मतलब फटाफट हमें कोई सब्जी बनानी है या कोई बड़ा पार्टी हो रहा, तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से छील सकते हैं लहसुन को। जैसे कि दोस्तों हम लेडीजों का रोना होता है कि लहसुन छीलना बहुत ही बोरियत काम है और लहसुन छीलने से हाथों में स्मेल भी आने लगती है, तो लहसुन को जल्दी कोई छीलना नहीं चाहता। तो मैं उन सारी लेडीजों के लिए लेके आए हैं लहसुन छीलने का आसान तरीका। तो आइए देख लेते हैं लहसुन छीलने का आसान तरीका कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, हम 100 ग्राम लहसुन ले लिए हैं, इसमें छोटा बड़ा दोनों लहसुन है। अब इसे चलते हैं आसान तरीके से छीलने के लिए। गैस को हम जला लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम गैस को ऑन कर लिए हैं और इसमें हम 250 ml पानी डाल के और गुनगुना कर लेंगे। गुनगुना होने के बाद में हम गैस को ऑफ कर देंगे, फिर आगे के बताते हैं प्रोसेस। ये देखिए दोस्तों, हमारा पानी गुनगुना हो चुका है, हम गैस को ऑफ कर लेंगे और लहसुन जो हम लिए हैं इसी में डालकर ऐसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम लहसुन को डाल लिए हैं और इसे हमें डालकर इसी में रहने देना है। और इतना ध्यान रहे दोस्तों कि पानी बिल्कुल गुनगुना ही हो, ज्यादा गुनगुना ना हो, नहीं तो इसका विटामिन खत्म हो जाएगा लहसुन का। तो इसे हम ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों, हम 5 मिनट के बाद इसे दूसरे बाउल में कर लिए हैं और बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब इसे लहसुन को हम छील लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं छील लेती हूँ हाथ से, या आप चाकू से भी इसे बहुत ही आसान तरीके से छील सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे गुनगुना पानी करके उसके बाद डाली हूँ जल्दी छीलने के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो इसमें नॉर्मल पानी डाल के और रख दें, उससे भी ये बहुत ही आसानी से छील जाता है और उससे इसका विटामिन भी खत्म होने का चांस नहीं रहता है। ये देखिए कितना आसान से छील जा रहा है। जैसे कि हम चाकू से छीलते हैं दोस्तों, तो उसमें छिलका रह जाता है। ये देखिए कितना आसानी तरीके से निकल रहा है छिलका, आप देख सकते हैं, बिल्कुल साबुत साबुत निकल जा रहा है लहसुन। ये देखिए, जैसे कि ये गुनगुना वाला लहसुन थोड़ा कम दिन तक टिकेगा, जैसे कि ये गुनगुना पानी करके हम लहसुन को छील रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा इसे खराब होने का चांसेस रहता है। अगर हम नॉर्मल पानी में इसे छीलेंगे तो इसे हम 1 हफ्ता 15 दिन तक पीस कर फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए कितना आसानी से छिलका इसका निकल रहा है, जबकि ऐसे लहसुन का छिलका कहीं लगा रहता है, इधर कहीं उधर आप देखे होंगे। ये देखिए, मैं चाकू से छिलका आपको दिखा रही हूँ, चाकू से भी बहुत जल्द छिल जाता है। आप इसे चाकू से ही छीले दोस्तों, हाथ से ना छीले। ये देखिए कितना फटाफट छीलते जा रहा है लहसुन, बहुत ही आसान तरीका से, इसमें कोई छिलका नहीं रह रहा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से छोटा बड़ा लहसुन सारा छील जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सारा लहसुन छिल गया, इसका छिलका आप देख सकते हैं, बिल्कुल साबुत साबुत निकल के आता है भिगोया हुआ लहसुन का। और ये हमारा लहसुन छील के रेडी हो गया। ये देखिए दोस्तों, हमारा लहसुन पूरा छील के रेडी हो गया, इसी तरीके से आप भी छीले। तो देखिए दोस्तों कितना जल्द लहसुन छील गया और बहुत ही कम समय में। तो अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो लहसुन छीलने का, तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है दोस्तों, उसे जरूर क्लिक करें। और अगर आपको दोस्तों कोई रेसिपी हमसे बनवानी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। और अब हम मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ।